बताइए देवियों के इंडिया के जो स्कल्प्टर्स जो कारीगर हैं दे आर द अनसंग किस प्रकार से देवी को बनाया था बिग ब्रेस्ट, स्मॉल वेस्ट बिग हिप्स यू नो ये विमेन आर विमेन ऑफ क्रिएशन दे फर्टाइल विमेन, एंड दे वेरी सेंशुअल उनको आप देख के आपको शर्म कभी कभी आ सकती है कभी कभी डर लग सकता है कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यही मेरे को बचाएंगी क्योंकि वो ऐसी ऐसी मूर्तियां बना रखी है उनने इन चौसठ योगिनी टेम्पल में लेकिन आपको यू you नो know, वो फियर आपको रियली really फील होता है ये है कहाँ काफ़ी सारे हैं उड़ीसा में दो हैं एक तो रानीपुर झरियर में है जो काफ़ी ट्राइबल एरिया में है वहाँ पर बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स हैं एक हीरापुर में है जो भुवनेश्वर के आसपास है वेरी इजीली बट वो सबसे छोटा है कुछ मध्य प्रदेश में है आ, कुछ यूपी में है काफ़ी सारी जगह हैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ ये योगिनी टेम्पल्स स्पेशली ये देवियों के यू you नो know, इंडिया सबसे बड़ा विक्टम है इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीकुटीज़ का उनमें से सारे स्कल्पचर्स यहाँ से चोरी हो जाते हैं और बाहर चले जाते हैं सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ट्रॉफी ये योगिनी के मूर्तियाँ मानी जाती हैं क्यों अभी रिसेंटली क्यों क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली हैं उन, उनकी शक्ति की वजह उनकी शक्ति इतनी ए, आप आपने खुद ही बोला आप ज्यादा ध्यान मत करें देवियों पर क्योंकि शायद पर इनको खरीदता कौन है इनको खरीदता है um, peoples of all kind. एक कहानी बताती हूँ अभी रिसेंटली एक स्कल्पर um, वापस आया है उसका सर एक uh, बकरी का सर था गोट हेडेड योगिनी ये पता नहीं कब लूट होके गई लेकिन जब मिली हमें लंदन में मिली जब मिली वो किसी बहुत ही बड़े अमीर आदमी के गार्डन में बाहर मौस से कवर्ड बैठी हुई थी हमें पता चला कि ये एक यूपी के चौसठ योगिनी टेम्पल से आई हैं तो अभी वो रिसेंटली वापस आई हैं इंडिया uh, रिपैट्रिएशन इस एक्ट को रिपैट्रिएशन कहा जाता है जब चुराई हुई मूर्ति या इमेज uh, uh, वापस इंडिया आती है या वापस उसके होम कंट्री में जाती है उस एक्ट को रिपैट्रिएशन किया कहा जाता है अब वो रिपैट्रिएशन इतना होने लग गया है इंडिया में कि पुराने किले में दिल्ली में एक म्यूजियम खड़ा किया गया है जो ऑफ ऑल ऑफ दीज रिट्रीव एंटिक्विटीज जो वापस आए वो वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं थोड़ा अजीब सवाल है पर आप ये मानते हो कि अगर आपने इन मूर्तियों की इज्जत नहीं करी तो आपको श्राप लग सकता है हाँ मैं नहीं मानती हूँ क्योंकि मैं पहले मानती थी कि अगर सांप के ऊपर गाड़ी चल जाएगी तो नागिन बदला लेने आएगी तो नागिन तो बदला लेने आ, नहीं आई तो नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगता है वो आप वो लोगों का मानना होता होगा नहीं मेरा शॉर्ट आंसर मेरा मानना नहीं है ओके okay, फेयर आप कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे थे कि आप कोई मंदिर में गए और वहाँ आपको नींद नहीं आ रही थी hmm. उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए ये एक्चुअली मंदिर मेरे लिए काफी स्पेशल मंदिर है ये पड़ता है बैंगलोर के कुछ बाहर पता नहीं ज्योग्राफी लेसन में याद है कि नहीं कोलार गोल्ड माइंस याद है कोलार में गोल्ड मिलता है तो कोलार एक जगह है वहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल है कॉल्ड कॉल कोलारम्मा कोलारम्मा टेम्पल वॉज मेड बाय द इन द नोलम्बा पीरियड नोलम्बा डायनेस्टी विच इज होयसाला पीरियड कर्नाटका राइट सुकर्नाटका टाइप ऑफ नाइन्थ सेंचुरी में बना था ये मंदिर छोटा uh, सा मंदिर है अब जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो गर्भगृह जो सबसे अंदर जहां पर भगवान uh, को रखा जाता है वो हमेशा एक स्क्वायर शेप में होता है इस जगह में एक स्क्वायर शेप्ड का था गॉडेस दुर्गा है लेकिन आप उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते है. आप उनको सिर्फ एक मिरर के गॉडेस तो वहां पर है और वहां पर एक मिरर है तो आप सिर्फ उनकी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं गॉडेिस के यहां पर स्कल्पचर्स इतने डरावने बना रखे थे फैंग्स हुई आंखें स्कल्स ऐसे बना रखे थे कि मैं एकदम पहली बार जब मैंने देखा तो मैं एकदम घबरा गई लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती है ये टेम्पल में ऑल्सो वर्शिप किया जाता है एक लोकल गॉडेस को लोकल गॉडेस आर कॉल्ड यक्षीज स्पिरट गॉडिस फॉरिस्ट गो लोकल ग वो स्कल्चर आपको नहीं देख रहा है वो स्कल्चर इज फेसिंग द व उसका मू गस का मूव इज फेसिंग द वॉल क्योंकि वो इतना डरावना है कि आप देख नहीं पाओगे उस गॉडेस के पैरों तले नीचे एक छोटा सा पिटारा बना रखा है जहां पर स्कॉर्पिय रहते हैं हर साल उन स्कॉर्पियंस को बाहर निकाला जाता है उसे सॉफ किया जाता है और फिर वापस डाला जाता है कहानी वहां भी नहीं खत्म होती है साइड में तो ये उनका गर्भगृह एक तो एल शेप था साइड में एक रूम है जहां पर उससे भी बड़े स्कल्पचर्स ऑफ सप्तमा सेवन मदर गॉडेसेस उनका रखा गया है वो लाइम स्टोन या किस्मती वाइटिश कलर स्टोन में बना हुआ है और उनको बाकायदा कवर कर दिया गया है क्योंकि सप्त मातृका में तो चामुंडा भी आती है वराही भी आती है अब इनकी शक्लें ऐसी हैं कि आप आप हिल जाएंगे तो जब मैंने ये देखा मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी हम दोनों उस रात नहीं सो पाए हम दोनों ने सेम स्टडी किया है सेम कॉलेज से वो इंडोनेशिया में इंटरेस्ट लेती थी मैं कंबोडिया में इंटरेस्ट लेती थी इस टेंपल में हम खुद गए और मैंने बोला कि यह बहुत इंपॉर्टेंट तांत्रिक टेंपल है और तंत्र जो जैसे हम तंत्र समझते हैं तांत्रिक समझते हैं वो उसको अनपैक करना अलग पॉडकास्ट का विषय है बट <laughs> uh, uh, ये एक मेन स्ट्रीम टेम्पल है और तंत्र तंत्र क्या है दुर्गा पूजा भी तो तंत्र से ही निकलता है यू नो सो हम वहां पर गए जो हमें महसूस हुआ ना ही सिर्फ उन स्कल्पचर्स को देखकर बट उस टेम्पल की जो एनर्जी मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी जो मांग लूंगी वो हो जाएगा तो आपने मांगा कुछ हाँ okay. हुआ? हाँ फिर मैं डर गई <laughs> अब मैं हमेशा जब भी मैं बेंगलोर जाती हूँ मैं हमेशा हर, हर सब लोगों को बोलती हूँ मैं बैंगलोर होंगी में एक और दिन रहूंगी क्योंकि मैं उस मंदिर में वापस जाऊंगी डी आर एस क्लिप हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों लव टू यू ऑल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया है एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा